तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? आशा करता हूँ कि आप लोग काफी अच्छे होंगे। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि टिक और फिलिया आप अपने डॉग में कैसे कंट्रोल कर सकते हो। और दोस्तों ये वीडियो देखने के बाद आपको कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि मैं आपको कंप्लीट सॉल्यूशन बता दूंगा। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम दो पॉइंट पे बात करने वाले हैं। सबसे पहला कि आपके डॉग के बॉडी में टिक और फिलिया आ जाए तो आपको क्या करना चाहिए, और दूसरा कि ऑनर सबसे छोटी गलती क्या करते हैं जिसके वजह से उनके डॉग के बॉडी में टिक और फिलिया आ जाता है। तो दोस्तों चलिए सबसे पहला पॉइंट पर बात करते हैं कि यदि आपके डॉग के बॉडी में टिक और फिलिया आ गया तो आपको क्या करना चाहिए। दोस्तों मार्केट में बहुत सारे टाइप के डस्टिंग पाउडर आपको मिल जाएंगे, बायर का, नोटिक्स का, हिमालयन का, इरीना पाउडर आता है, ये सब का रिजल्ट काफी अच्छा है। मैं अभी बायर का यूज कर रहा हूँ क्योंकि पास वाले शॉप में यही मिला था और ऑनलाइन स्टार्ट हो चुका है, लेकिन मैं जब वहाँ पे गया खरीदने के लिए तो ये मिल गया तो मैं ले आया। दोस्तों कल शाम में मैं इसके बॉडी पे यूज किया ये, तो एक फिलिया इसके गर्दन के आसपास मिला, जबकि ये कभी नोचता भी नहीं है, कभी खुजलाता भी नहीं है और कभी इसके बॉडी में टिक और फिलिया मिलता भी नहीं है। फिर भी मैंने इसे यूज किया तो इसके गर्दन के पास एक फिलिया मरा हुआ मिला। तो दोस्तों चलिए अब मैं आपको बतलाता हूँ कि यदि आपके डॉग के बॉडी में अगर टिक और फिलिया हो गया तो आपको क्या करना चाहिए। दोस्तों इस तीनों में से कोई भी ब्रांड का आप पाउडर खरीद सकते हो, तीनों का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप लोग ऑनलाइन भी परचेज कर सकते हो। दोस्तों इस पाउडर को आपके अपने डॉग में बहुत ही अच्छे तरीके से यूज करना है, वो काफी अच्छा रिजल्ट देगा। दोस्तों सबसे पहले आप जान लीजिए कि इसको यूज कैसे करना है। देखिए बहुत सारे ओनर क्या करते हैं कि डायरेक्टली इसको डाल देते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको सबसे पहले बाल ऐसे हटाना है और फिर ऐसे करके डाले ताकि उसके स्किन पे पड़े, और मोस्टली गर्दन पे, पूंछ पे, पीठ पे और लेग्स के बीच में आप लोग डाला करिए। इससे जो टिक और फिलिया होंगे वो बहुत ही बेहतरीन तरीके से मरेंगे। दोस्तों ये जो होता है ये टिक एंड फिलिया रिपेलेंट होता है, कहीं पर भी किलर नहीं मिलेगा किसी भी शैम्पू में, किसी भी पाउडर में। इसका मतलब ये हुआ कि यदि आप ये यूज करते हो तो ये अच्छे तरीके से उसको रिपेल करेगा, मतलब कि आपके डॉग के बॉडी में टिक या फिलिया है या फिर नहीं है, आप एक रेगुलर इंटरवल पे आप अपने डॉग में यूज करते रहिए, ठीक है। बहुत सारे ओनर ऐसा सोचते हैं कि जब मेरे डॉग के बॉडी में टिक और फिलिया आ जाएगा फिर मैं इसका सॉल्यूशन ढूंढूंगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, आपको स्टार्टिंग से ही इसको ढूंढना है। तो दोस्तों चलिए अब हम बात करते हैं कि आपके डॉग के बॉडी में टिक और फिलिया आ कहां से जाता है। दोस्तों बहुत सारे डॉग ओनर अपने डॉग को घुमाने के लिए पार्क में ले जाते हैं, या फिर जब भी टॉयलेट या पॉटी करवाने के लिए ले जाते हैं तो पार्क के आसपास जंगल आपको दिखाई पड़ेगा, या फिर गांव में भी जंगल रहता है तो मोस्टली उसी जंगल पे ये बैठे रहते हैं टिक एंड फिलिया। मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें ये बताया था कि टिक और फिलिया का लाइफ साइकिल क्या है। तो दोस्तों उसी लाइफ साइकिल के दौरान में एक स्टेज तब आता है जब वो टिक डॉग के बॉडी में आते हैं, और उस टाइम पे ये पेड़ पे ही लटके हुए होते हैं, और जैसे ही आपका डॉग वहां पे गया वो आपके डॉग के बॉडी पे आ जाता है। आप देख सकते हो इमेज में मेरे टॉमी के मुंह पे एक टिक आ गया था, मैंने उसको हाथ से ही निकाल दिया। दोस्तों ये तब मैंने पाया जब मैं पूल पे घूम रहा था और इसको जंगल के बीच से ही ले जा रहा था, तो आप समझ सकते हो कि इसी गलती की वजह से आपके डॉग के बॉडी में आता है। इसलिए जब भी आप अपने डॉग को पार्क से घर ले जाते हो तो एक बार जरूर देख लिया कीजिए कि उसके बॉडी पे कोई टिक या फिलिया तो नहीं है, और उसी कंडीशन में यदि आप लोग ये पाउडर यूज करते रहोगे तो जो भी फिलिया आएंगे वो वहीं पे मर जाएंगे या फिर बॉडी पे आने के बाद फिर से गिर जाएंगे। तो ये चीज़ होता है। और दूसरा गलती ये करते हैं कि जब भी ये पार्क में घूमता है तो इसके लेग्स के बीच में भी यहाँ यहाँ कभी कभी फंस जाते हैं वो टिक या फिर फिलिया, और बाद में वो बॉडी पे आ जाते हैं चिपक करके, बहुत सारा खून चूस लेंगे। तो दोस्तों इन सारे बातों का ख्याल आप लोग बहुत ही अच्छे तरीके से कीजिए तो आपके डॉग के बॉडी में एक भी टिक या फिर फिलिया नहीं रहेगा। और दोस्तों एक बात और जान लीजिए आप लोग कि आपके डॉग के बॉडी में मात्र 5% ही टिक या फिर फिलिया होते हैं, बाकी 95% आपके रूम में हो सकते हैं या फिर आपके सराउंडिंग में हो सकते हैं। इसलिए आप लोग अपने गार्डन का भी अच्छे से ख्याल रखिए, और यदि आपको लग रहा है कि आपके बेड में भी फिलिया है तो उसको भी अच्छे तरीके से साफ कीजिए। तो दोस्तों यही था हमारा आज का वीडियो, आशा करता हूँ कि आपको काफी अच्छा लगा होगा। इस वीडियो को लाइक जरूर कर दे, 2000 लाइक्स का एम है। दोस्तों आने वाली वीडियो में मैं आपको एलोवेरा से डॉग के लिए शैम्पू बनाना सिखाऊंगा, क्योंकि वो भी शैम्पू बहुत ही अच्छा है आपके डॉग के लिए और मॉइस्चराइजिंग का भी काम अच्छे से करेगा। और दोस्तों यदि फर्स्ट टाइम इस चैनल पे आए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो, इसी तरीके के रेड कलर में आपको नीचे मिल जाएगा, और बाद में बेल के आइकन को भी दबा देना। तो दोस्तों हम मिलते रहेंगे बहुत सारे वीडियोस में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।